अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम फैसल भाई, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सर एक दफा फिर आपके पास आ गए हैं और आगे हमने की थी बड़ी गाड़ियों की वीडियो बनाई थी। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे ना छोटी गाड़ियों के मुख्तलिफ नंबर की वीडियो चाहिए, उसमें कौन कौन से साइज के आप बताएंगे? इसमें अगर छोटी गाड़ियों में अगर आप जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में चलती है मेहरान जो बहुत पॉपुलर है, और एक आल्टो 1000 CC, ये दो गाड़ी है जो 12 वाली साइज की है, उनकी मैं आज आपको। इसका नंबर क्या बनेगा? इसके दो नंबर चलते हैं, एक 145/70 R12 और एक 155/70 R12। तो दोनों बताएंगे आप? दोनों मैं बताऊँ, बेहतरीन स्टार्ट कर। अब ये वाला जो मॉडल अगर आप जाते हैं, इस मॉडल में आगे ये आगे 145, ठीक है, दोनों मॉडल लेते हैं। ये मॉडल 30,000 रुपए के चार्ट है, चाइना का, ठीक है, ठीक हो गया। उसी के बाद थोड़ा सा इन्होंने अपग्रेड किया, वो ये वाला मॉडल आ गया। अब आप देख रहे हैं दोनों में कितना फर्क आया, बहुत फर्क है, ठीक है। अब ये वाला मॉडल लेते हैं, ये भी 145/70 R12 है। अच्छा, ये माइलेज वगैरह सारा बताया? जी मैं बताता हूँ, इसकी जो माइलेज है कंपनी रिकमेंडेड लाइफ है जी 50 से 55 हजार। और नाम क्या टायर का? ये लिंगलोंग के नाम से, ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो आता है ये लॉन्ग वे के नाम से, सही है, ठीक है। और इसकी जो कंपनी लाइफ दे दी है 75 से 80 हजार, ठीक है। इसकी जो प्राइस है 32,000 रुपया, इसकी जो प्राइस है 30,000, चार टायर, ठीक हो गया। उसके बाद आगे आप और जाते हैं तो आगे ये जो साइज स्टार्ट हो जाती है, ये 155 का साइज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये भी 155 का साइज है, ये वाला और ये भी 155 साइज है, सही है। ये दोनों प्लेन है, इनमें ना राइटिंग है ना कुछ भी नहीं है, सही है। ये बिल्कुल सादे टायर है, ठीक है। अब ये वाला मॉडल लेते हैं, ये वाला मॉडल मिलता है आपको 32,000 के चार्ट है। नाम क्या होगा? ये आता है हाइदा के नाम से, ठीक है, ठीक है। ये 155/70 R12 है, ठीक है, ठीक है। और ये भी प्राइस इसकी क्या है? ये 32,000 रुपए, ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो मॉडल लेते हैं 34,000 के चार्ट है, ठीक है। ये क्रिस्टल कंपनी का आता है, इसके बाद इन्होंने ये वाला मॉडल है, ठीक है, ठीक है। ये 34,000 के चार होते हैं और इनकी माइलेज आती है 80 से 85,000, ठीक हो गया, ठीक। उसके बाद आप आगे आ जाते हैं थोड़ी शोशा में। अच्छा, जो लोग कहते हैं जी थोड़ी शोशा होनी चाहिए, अब ये चीज वो आ गई। अब ये भी चाइना का टायर आ गया, हाँ, ये उनसे बेहतर लग रहा है जी। ये अब चाइना का आ गया और अब इसमें इन्होंने स्टाइल दे दी, ये पट्टी स्टाइल, ठीक हो गया। अब ये वाला मॉडल लेते हैं, ये वाला मॉडल मिलता है 36,000 के चार। इसकी क्या नाम है? ये आता है एवरलैंड के नाम से, ठीक है, ठीक है। ये 36,000 के चार। माइलेज क्या करेगा? इसकी माइलेज भी तकरीबन ऐसी चलती है 75 से 80। ये हमारा बीच में एक ब्रांड आ गया ब्रिस्टोन, सही है, ठीक है। ये ब्रिस्टोन के लेते हैं, ये 42,000 के चार होते हैं, ये बिल्कुल ब्लैक में आते हैं, ये सादे नहीं होते जी, ठीक है, ब्रांड सादा नहीं। और इसकी माइलेज क्या है? इसकी जो कंपनी रिकमेंडेड है इनकी भी इतनी ही है 70-75, ये डिपेंड थोड़ा सा करता है ड्राइवर पे भी, वो टायर को कैसे ट्रीट करता है। अगर टायर को ट्रीट अच्छा करता है तो टायर ज्यादा लाइफ देता है। अच्छा जी, उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है ये वाला, ये भी चाइना का टायर है, टेक मैक्स कंपनी का टायर है जी, जी, ठीक है। ये 38,000 के चार टायर है, ये 155 साइज है जी, 155, ये लिखा हुआ 155/70 R12, ठीक हो गया। और इसकी माइलेज कितनी है? ये देखिए इसमें ये चीज आ गई, राइट, ठीक है, ठीक है। इनकी भी माइलेज हो रहा भाई 75-80,000 किलोमीटर। और प्राइस? प्राइस जो है ये 38,000 के चार, ठीक है। उसके बाद ये वाला मॉडल आ गई, ये जॉय रोड के नाम से आता है, हाँ, ये मैंने नाम सुना हुआ है, रेड मैक्स भी मैंने सुना हुआ है और जॉय रोड भी मैंने सुना। अभी जॉय रोड का इनका ये वाला नया मॉडल आ गया, ये इसमें इन्होंने ये पट्टी स्टाइल भी दे दी है और राइटिंग भी दे दी, ठीक है, ठीक है। ये वाला मॉडल लेते हैं, ये भी 38,000 के चार्ट है जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास एक मॉडल आता है, ये भी राइटिंग वाला मॉडल है, ये 36,000 के चार्ट। इसका नाम क्या है? ये लिंगलोंग कंपनी का आता है। अच्छा, लिंगलोंग कंपनी, और इसके ऊपर भी वाइट लेटर के साथ से आता है, बेहतरीन हो जी, 36,000 की चार। और इसकी माइलेज भी इतनी होगी? इसकी भी माइलेज। अच्छा, इनकी सबकी तकरीबन एक ही माइलेज है, कोई मुझे तो फर्क नजर नहीं आया इसके अंदर। इसमें खुरम भाई और क्वालिटी थोड़ी सी और इसे हल्की भी आती है, वो हम उगवाते नहीं है। अच्छा, क्योंकि उनमें कंप्लेन आ जाती है। असल में ये तकरीबन 100 ब्रांड आते हैं पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा। तो मैंने आगे भी किसी की वीडियो बनाई थी तो वो कहते हैं कि हर दुकानदार ना अपनी मर्जी के 10-12 ब्रांड रखता है, बिल्कुल ऐसे। जो ब्रांड नाकाम है या खराब है वो नहीं लेते, नहीं लेते। और हर बंदे के पास फर्क ब्रांड होते हैं, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। अब उनके पास ये ट्रेड मैक्स और ये जो आपने बताया था ना रोड लॉन्ग, क्या ये जॉय रोड बताया था, हाँ, ये उनके पास है थे, लेकिन कुछ आपने जो बताया उनके पास नहीं थे, उनके अपने हैं, अलग से थे कुछ। तो फैसल भाई बहुत शुक्रिया, अपनी शॉप का नाम एड्रेस बताया, मंगला टायर, कश्मीर रोड, सदर रावल।